हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? बहुत ही कारगर उपाय बताने वाली हूँ, ध्यान से वीडियो को सुनना, और जो भी उपाय बताने वाली हूँ इस उपाय को अवश्य ही करना है। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया है। तो देखिए आपको करना क्या है कि अगर आपके घर में भारी रोग हो गया है, पैसा आता तो है परंतु बचता नहीं, सुबह तो आता है शाम होते होते एक चवन्नी भी आपके पर्स में नहीं रहती, तिजोरी में नहीं रहती, घर में धन की कोई आवक नहीं है, तो आप बेलपत्री का बहुत ही सुंदर सा उपाय है, वैसे तो मैंने कई सारे उपाय सोमवार की अष्टमी है उससे जुड़े हुए अपने चैनल पे डाले हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं या फिर उन उपायों को देखने के बाद आपके पास सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। ये भी उपाय आपको 3 महीने के अंदर ही फल दे देगा। ध्यान रहे, पूर्ण विश्वास रखकर भोलेनाथ पर किया गया हर उपाय आपको अवश्य ही फल प्रदान करता है। और कभी भी अगर आप कोई उपाय कर लेते हैं और आपका कार्य सिद्ध नहीं होता है तो घबराना नहीं चाहिए। गुरु जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ हर किसी की परीक्षा लेते हैं, तो अपनी परीक्षा में कभी भी आपको भागना नहीं है। उन पर विश्वास करके अपने जीवन में इन सभी उपायों को, पूजा पाठ को करते रहें। देखिए थोड़ा सा समय आपका जाता है और वो भी भक्ति में जाता है, रुपये तो आपके 1 रुपया खर्च नहीं होता है, तो आपको कोई भी मन में भय शंका नहीं रखनी चाहिए, न ही अपने मन में ऐसा कि आपको विश्वास ना हो। विश्वास रखें क्योंकि आपका फायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता। भगवान भोलेनाथ पर जब आप अपनी नैया छोड़ देते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी अवश्य होती है। तो ध्यान से सुनिए उपाय कैसे करना है क्या नहीं करना है। आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र कैसी, जिसमें 3 पत्ते होते हैं, वो बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र लेने के बाद जो बीच की पत्ती होती है उस पर आपको पीला चंदन लगाना है, और दोनों जो इधर उधर के पत्ते होते हैं उन दोनों पर लाल चंदन, बीच की पत्ती पर पीला चंदन, दोनों पत्तों पर जो इधर उधर के होते हैं उन पर लाल चंदन लगाना है, और जो 2 पत्तियां होती हैं नीचे वाली उन पत्तियों के बीच में जो डंडी होती है उस स्थान पर माता पार्वती 64 योगिनियों के साथ में विराजमान होती हैं, इसलिए इस स्थान पर थोड़े से शहद का प्रयोग यानी 1 बिंदी शहद आपको उस स्थान पर रख देना है, और वही बेलपत्र अपने दोनों हाथों से माता अशोक सुंदरी शिवलिंग पर, अशोक सुंदरी वाला स्थान तो सब किसी को पता होगा, हर कोई जानता है कि अशोक सुंदरी वाला स्थान कौन सा होता है, जो शिवलिंग पर मोटी सी लाइन होती है वह भगवान शिव शंकर की अशोक सुंदरी पुत्री होती है, वही स्थान अशोक सुंदरी का होता है, वहीं पर आपको ये जो बेलपत्र है समर्पित करनी है और अपने दिल की बात 3 बार बोल दें और शिव जी का मंत्र बोलें। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जो भी मंत्र आता है, नहीं आता है तो भोलेनाथ का बहुत सारे नाम है, मेरा भोला भंडारी, कुबेर भंडारी, या फिर आप कोई सा भी नाम भगवान शिव जी का ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने जैसे वहां पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो बेलपत्री रख दी, उसके बाद आपको एक लोटा जल अपने साथ अवश्य लेकर जाना है, उस जल को भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल बचाएं, और उस जल को बचाने के बाद जो बेलपत्र आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखी है उसी स्थान पर आपको बेलपत्री पे जल समर्पित करना है। जो भी जल बचा हुआ है लोटे में वो सारा जल बेलपत्री वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर उसी बेलपत्र को उठाना है, उठाने के बाद आपको दोनों हाथों में लेकर अपनी मनोकामना को बोल देना है। मनोकामना बोलने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, और उसी बेलपत्र को उठाकर आपको चले आना है किसी नदी या तालाब के पास। ध्यान रहे, साफ स्वच्छ नदी तालाब हो ऐसी ही स्थान पर आपको आना है, और वो जो बेलपत्र है विसर्जित कर देनी है। विसर्जित करने के बाद आपको उसी जमीन पर उसी नदी तालाब में 1 लोटा जल भी समर्पित कर देना है, और साथ ही साथ वहां भी आपको जो आपने मंदिर में बोली थी वही बातें वहां भी महादेव का नाम लेकर बोलनी है। देखिए 1 बार करना है और अष्टमी तिथि को ही करना है। 3 महीने के अंदर जो आपके साथ होगा वो आप खुद ही देखेंगे, यानी भगवान भोलेनाथ का जो चमत्कार है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होकर रहेगी, ये आप अपनी आंखों से खुद ही देखेंगे। 1 बार विश्वास करके इस उपाय को करना
आपका कार्य होकर ही रहेगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। दोबारा देखने का भी कोई एक रुपया आपसे नहीं लेने वाला है। पर वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना, जिससे मुझे पता चले कि आप भी भगवान शिव के सच्चे और पक्के वाले भक्त हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।